यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शुक्रवार को दिवंगत डॉक्टर घनश्याम तिवारी के परिवार से मिलने उनके घर सुखोली पहुंचे। सुल्तानपुर के डॉक्टर घनश्याम तिवारी की बीते 23 सितंबर को भूमाफिया अजय नारायण ने निर्मम हत्या कर दी थी। डॉक्टर तिवारी के घर पहुंचे उप मुख्यमंत्री पाठक ने दिवंगत तिवारी की पत्नी से बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर की पत्नी ने हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी व कठोर सजा दिलाने की बात कही। बाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि परिवार की समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर जाएंगे और हत्या के आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे। चिकित्सक परिवार से है तो हमारे विभाग की भी जिम्मेदारी है, पूरे परिवार की जो दुख था उन्होंने हमसे शेयर किया है और इसमें किसी भी कीमत पर जो हत्यारे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और से शीघ्र कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेन मेरा जो शुरू से फोकस था मेरे पति के हत्यारा पकड़ा जाए, इसी सिलसिले में मैंने उनसे बात की। मुझे उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि मैं उसे सारी कार्रवाई करके उसके विरुद्ध सारा तुम्हारे साथ निष्पक्षता से न्याय करूँगा। और आपकी जो मांगे थी उन पर क्या कोई आश्वासन या कोई आपको कि नहीं आई? मेरा मेन फोकस टारगेट मेरे पति के हत्यारे को पकड़वाना था, सेकंड मेरी जॉब थी। दोनों के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, बहुत उम्मीद जताई है। आगे सरकार से भी बहुत उम्मीदें हैं मुझे कि मेरे साथ न्याय करेगी, वो भी निष्पक्षता से।